हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्राडे आइडिया में। आज के इस वीडियो में मार्केट और इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इन वीडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 नवंबर के लिए बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। पहले एक नज़र आज के मार्केट पर। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट में गिरावट आई और दूसरे सेशन में मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं मंडे 28 नवंबर को मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के डेटा बेस से क्या निकल कर आ रहा। 27 नवंबर को निफ्टी 18,530 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और वही 18,400 के लेवल को ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार बैंक निफ्टी में 43,400 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और वही 42,850 के लेवल को ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये रहे कल के इंट्राडे स्टॉक के परफॉर्मेंस। बिरला सॉफ्ट में 2 पॉइंट का मूव हुआ, HCL टेक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, सनफार्मा एक्टिव नहीं हुआ और लास्ट स्टॉक GNFC में 3 पॉइंट का मूव दिया। इस समय मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, साथ में आप लोग प्रॉपर रिस्क एंड स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करें। इन स्टॉक्स के लेवल कल के वीडियो में देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सीखें। मैंने 28 नवंबर के लिए 4 धमाकेदार स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। पहला SEC, दूसरा PVR, तीसरा SR ट्रांसफिन और चौथा टाइटन, जिनके लेवल आप आगे देख सकते हैं और उसे चार्ट में समझ सकते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहे। SEC को मैं 2515 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 2490 का रखूंगा और उसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए चार्ट पर देखते हैं। PVR को मैं 1875 के ऊपर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस 1857 का रखूंगा और उसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए चार्ट पर देखते हैं। SR ट्रांसफिन को मैं 1274 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1286 का रखूंगा और उसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए चार्ट पर देखते हैं। टाइटन को मैं 2585 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 2610 का रखूंगा और उसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आइए चार्ट पर देखते हैं।